गांव में जाते हैं तो लोग ये कहते हैं भाई आपको चुन करके भेजा विधानसभा बैठ तो सरकार वहां बैठ करके नीति बनाती, इंसान ढो दो तो पीछा छुड़वा दो हमारा। अब उन्हें कैसे समझाएं कि किस तरह से सांड को हम समझा सके, हम सरकार को नहीं समझा पा रहे, सांड को तो क्या समझाओगे। किसी का जन्म परिवर्तित हो गया ना, ये सांड और ये मिल गए, ये दुखी भी है परेशान भी है, तो पटक पटक के मारेंगे जो आदमी बनेंगे, बता रहा हूं साहब। कि मैं उत्तर प्रदेश से चुन करके आता हूं, मुजफ्फरनगर जनपद से। अभी आदरणीय मनोज पांडे जी ने भी बताया, वास्तव में आज स्थिति यह है, जब हम गांव में जाते हैं ना, गांव में जाते हैं तो लोग ये कहते हैं भाई आपको चुन करके भेजा विधानसभा बैठ तो सरकार वहां बैठ करके नीति बनाती, इंसान ढो दो तो पीछा छुड़वा दो हमारा। अब उन्हें कैसे समझाएं कि किस तरह से सांड को हम समझा सके, हम सरकार को नहीं समझा पा रहे, सांड को तो क्या समझाओगे। बड़ी दिक्कतें हैं साहब, इतनी दिक्कत है। अभी मैं अपने क्षेत्र में घूम रहा था तो चाहे बघरा ब्लॉक हो, सदर ब्लॉक हो, मुजफ्फरनगर का कोई भी ब्लॉक रहा हो, हमारे पूरी मुजफ्फरनगर शामली में 9 विधानसभा है, कहीं जाकर के देख लीजिएगा, शाम को स्थिति है कि इतनी ठंड में किसान अपने खेत के काम के लिए तो जाता ही जाता है, खेत में टाइम बांध रखे हैं कि 1 घंटा छोटा लड़का जाएगा, 4 घंटे पशुओं से बचाने के लिए बुजुर्ग आदमी जाएंगे। बड़ी खराब स्थिति है, फसल की फसल नष्ट कर दी। चाहे मेरे क्षेत्र के नसीरपुर का मामला हो साहब, चाहे लड़वा का मामला हो, शामली का मामला हो, जनपद शामली का, हमारे प्रसन्न भाई भी उस दिन आवाज उठा रहे थे, इन्होंने चीख निकलवा दी किसान की। एक तो महंगाई, लाभकारी मूल्य मिल नहीं पाता, इतनी बड़ी खराब स्थिति है। आपने कहा कि हम काउ सेंचुरी बना रहे हैं मुजफ्फरनगर के पास, काउ सेंचुरी बनी कब बनेगी, जब इनकी फसलें नष्ट हो जाएंगी, किसान बर्बाद हो जाएगा। बहुत खराब स्थिति है साहब। आप देख लीजिएगा सीतापुर का मामला, फसलों को हुआ नुकसान, ग्रामीणों ने विद्यालय में बंद किए पशु, आवारा पशुओं को किसानों ने पकड़वाने की मांग। लखनऊ का मामला, ताकतवर किसान को परेशान किया पशुओं ने, बेजुबान पशुओं ने, ये स्थिति है। ये मैंने जानकारी ली है, चाहे मुरादाबाद का मामला हो, सहारनपुर मंडल का मामला हो, मेरठ मंडल का मामला हो। माननीय, एक बात कहना चाहता हूं, हम लोग, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि 7 जन्म होते हैं, अगर सरकार में बैठे हुए आदमी को किसी का जन्म परिवर्तित हो गया ना, ये सांड और ये मिल गए, ये दुखी भी है परेशान भी है, तो पटक पटक के मारेंगे जो आदमी बनेंगे, बता रहा हूं साहब। तो इसे गंभीरता से लेना चाहिए, बहुत गंभीर विषय है, आज किसान बर्बाद की तरफ है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। बंदर बड़ा परेशान करे, बंदर का कोई उपाय हो ही नहीं पा रहा। ओम प्रकाश जी बंदर के लिए ज्यादा चिंतित है। जल में राजा बंदर बना था, वही काम सरकार में हो रहा है। बगीचे सब खत्म हो गए और बंदर तो आपके हनुमान जी आपके प्रिय हैं, किंतु अपने पास रख लेते तो हम लोग का जान हमारे पास ही है। माननीय मंत्री जी,